नहीं थम रही बहुजन समाज की वाल्मीकि समाज की लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन वजह है? मिली जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में हुए घिनौने कृत्य के बाद इस श्रृंखला में पलवल के ही फिर भी गांव में एक 13 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची जब गांव में रोटी मांगने के लिए गई तो उसके साथ सामान्य जाति के व्यक्ति मनुवादियों के द्वारा जबरदस्ती करने, धोती खोलकर नंगा होने व बच्ची को पैसे का लालच देकर गलत काम करने के लिए उकसाने व जबरन बलात्कार करने की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है। लेकिन जहां भी सबसे बड़ी शर्म की बात यह रही कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद ही FIR दर्ज हो चुकी, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सितारे चैनल की रिपोर्ट। मुझे मिली है और मैं उसमें जरूर आपके साथ जो भी सच्चाई है उसके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और इसी वीक में हम उसको फाइनल कर देंगे, ठीक है? तो उस बात के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जो आपकी जांच है, तफ्तीश है, वो बिल्कुल सच्चाई के आधार पर करेंगे जो आपने हमें दी थी। रही बात जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, अगर वो भी आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे या जिसके बारे में भी आप जिसका भी नाम लेंगे उससे हम आपकी तफ्तीश करा देंगे और बिल्कुल 100% जो है वो सच्चाई के आधार पर कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहें, आप वाला भी और वो जो दूसरा भी मुकदमा है दोनों के बारे में, अगर आप जैसे वो वहाँ वाला तो आपने करी हो ही गया मेरे पास आगे, अगर आपने जो करवाया उसके बारे में भी आपका ये हो कि भाई वहाँ से नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पे या जिस भी अधिकारी से आप नाम लेंगे उसी से हम करवा देंगे और इसी वीक में फाइनल कर देंगे। सर हम ये कहना, उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज किया था, क्या SHO साहब भी आपने कुछ SHO साहब ने इस खिलाफ में भाई गवर्नमेंट चुप रहो आएंगे तो मैं उनकी आदत से आपको भी बुलाऊंगा उनको भी करके तो अगर उसका नेगलिजेंस पाया जाता है तो हम उसको क्या डेफिनेट कर देते ये मैंने आपसे कभी यही कहा है कि अगर आप देखते हैं वो फोन को उठाते नहीं है और जबकि सरकारी नंबर मिला हुआ है, जनता की सेवा के लिए मिला हुआ है, ये सरकार पैसा नहीं देती है, सैलरी नहीं देती है, जनता के टैक्स से ही सैलरी मिलती है और एक सेवा के लिए नंबर दिया गया उसको अटेंड नहीं करते हैं DSP साहब। और ये काफ़ी केसों में देखा गया है जबकि दिनेश कुमार जी ऐसा काम करते हैं। या तो आप नाम बता दें उन्हीं के मैं करवा देता हूँ, ठीक है, या फिर जिस किन कहेंगे उसी के नाम कोई इशू ही नहीं है किसी भी। सर जो आप बोल रहे हैं ना सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं।